गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं मेरी मम्मी के घर पे हूँ और आज अभी आप लोगों को पीछे बहुत आवाज़ सुन रहा होगा क्योंकि मेरे घर पे अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, इसलिए मैं अभी किचन में बैठी है। पूरा घर मेसी है और मम्मी को हेल्प करने के लिए एक दीदी भी है, वो दोनों काम कर रहे हैं और मैं तो एकदम आराम कर रहे हैं मम्मी के घर पे आकर। हर लड़की को ऐसा ही होगा, मम्मी के घर पे आकर सिर्फ विश्राम है, पूरा रेस्ट है। मेरा भी वही है, मैं पूरा आराम कर रहे अभी। आप लोगों ने देखा है ना वीडियो, वो मम्मी रामायण पढ़ रहे थे। इस ये महीने रामायण मास है, इसलिए हर दिन सुबह और शाम को मम्मी रामायण पढ़ते हैं। सिर्फ मम्मी नहीं है केरल में, मैक्सिमम घर में ये मम्मी नहीं तो पापा लोग रामायण पढ़ते इस महीने। अभी मम्मी बनाने जा रहे हैं कक्का है रची, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है, कैसा बनाते हैं। इसके लिए इधर 2 बड़ा कप क्लैम लिया है और उसको अच्छे से वाश करके उसका अंदर का गंदा सब निकाल कर सॉल्ट वाटर में अच्छे से वाश कर रखा है। इसका मसाला बनाने के लिए 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून से कम कोरिएंडर पाउडर और टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून और जितना तीखा चाहिए उतने उसके हिसाब से ब्लैक पेपर पाउडर भी डालकर उसको अच्छे से फ्राई करना है। सॉरी, मैं इधर ब्लैक पेपर पाउडर डाला, वो भी क्लिप मेरे से मिस हो गया और आप लोग उसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी डालना है। इधर मम्मी ने बहुत सारा शैलट्स यूज़ किया है, अगर आप लोगों के पास वो अवेलेबल नहीं है तो 2 मीडियम साइज़ ओनियन छोटा छोटा कट कर डालना है और 2 ग्रीन चिल्ली, करी लीव्स का फ्लेवर बहुत अच्छा था इसलिए ज़्यादा डाल दिया है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का, देखो एक गार्लिक का हाफ लिया है और थोड़ा सा कोकोनट चंक्स, ये सब इधर कट कर रखा है। अभी इधर ऑयल गर्म होने के बाद मस्टर्ड सीड्स, ड्राई रेड चिल्ली, करी लीव्स डालकर तड़का देना है और उसमें ये ओनियन और जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, करी लीव्स और कोकोनट चंक्स का मिक्स डालकर अच्छे से मिक्स करना है और ओनियन थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद उसमें ये क्लैम्स डालना है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा टर्मरिक और फ्राई किया हुआ स्पाइसेस में से थोड़ा सा उसमें अभी डालना है और बाद में और बाकी बचा हुआ स्पाइसेस 1/2 कप कोकोनट के साथ अच्छे से मिक्स कर उसमें डालना है। और उसमें नमक स्वाद अनुसार डालकर अच्छे से मिक्स करकर कवर कर एक 50 मिनट्स अच्छे से पकने देंगे। अभी हमारा एक क्लैम का सब्जी रेडी हो गया, उसमें करी लीव्स डालकर डेकोरेट करके कवर करके रखना है।
कल मैं और मेरी मम्मी और मम्मी के कज़िन सिस्टर सब लोग जाकर इतना सारा शॉपिंग किया है क्योंकि मेरे मामा का बेटे का शादी है और उसी के लिए बहुत सारा हम लोगों ने शॉपिंग किया है। हम लोग बहुत लेट हो गया घर आते आते। अभी मैं मेरे सासू माँ के घर पे हूँ और मैंने सोचा मैं इधर अपना घर आकर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सारी, क्योंकि मुझे मेरी सासू माँ को भी दिखाना था सारी सब। और मैंने मम्मी का और दीदी का लेकर नहीं, मैंने मम्मी का और दीदी का लेके नहीं आया, वो मेरे मम्मी के घर पे ही है क्योंकि उनको अभी ओणम का सीजन है तो ब्लाउज स्टिच करना बहुत मुश्किल है। अभी मम्मी ने बोला मैं तो देने वाली हूँ ब्लाउज स्टिच करने के लिए, फिर मैं अभी मेरी सासू माँ को इधर आकर दिखा दिया और उसके बाद अभी मैं दो तीन दिन के बाद मम्मी के घर वापस जाऊँगी और तब दूँगी ब्लाउज स्टिच करने के लिए। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। ज़्यादा नहीं, तीन ही लिया है लेकिन बहुत अच्छा लिया है मैंने। मुझे अभी इसका ऑर्नामेंट सब शॉपिंग करना है, वो बाकी है अभी। पहले मैंने लिया है, दिखाती हूँ, पहले मैंने लिया है मेरा फेवरेट ड्रेस। मैं मुझे ये पहनना बहुत पसंद है, मैं दिखाती हूँ। ये है सेटू मुंड, ये केरल का ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये मुझे ये बहुत पसंद आ गया, ये वर्क, ये मिरर वर्क मुझे बहुत पसंद आ गया, ये लिया है। और उसका ब्लाउज़ है ये देखो, ये उसका ये ब्लाउज़ में भी ये वर्क है। ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आ गया इसका, देखो इसका बॉर्डर में ये कलर है, सेम कलर है ब्लाउज़ इसका बॉर्डर में ब्लाउज़ का सेम कलर है और मुझे ये बहुत पसंद आ गया। मैं कैसे आएगा ये, ऐसे आ जाएगा ये ब्लाउज़ कैसे, हाँ ये हाथ में ऐसे आ जाएगा और ये मुझे बहुत पसंद आ गया ये। फिर लिया साड़ी, देखो ये मैंने शादी के लिए लिया है और इसका ब्लाउज़ ये कलर का है और इसमें अभी कुछ एम्ब्रॉयडरी करना है या नहीं मालूम नहीं, मैं सोच रही हूँ। और ये इसका पल्लू, ये पल्लू ही बोलते हैं ना, हाँ ये भी मुझे, ये कलर मुझे, ये कलर और ये दोनों कलर मुझे बहुत पसंद आ गया, कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आ गया। फिर लिया है ये लहंगा जैसा भी पहन सकते हैं और हाफ साड़ी जैसे भी पहन सकते हैं। और ये लिया है, ये शायद आप लोगों, मैंने एक क्लिप लिया था जब उन लोगों ने, मैं ट्राई कर रहे थे तब एक क्लिप लिया था। ये सेमी स्टिच्ड है, ये भी पता नहीं अभी मैं पहन पाऊँगी, मैंने लिया है क्योंकि मेरा वेट हर दिन ऐसे बढ़ रहा है, पता नहीं जब शादी के दिन ये पहन पाएगा नहीं मालूम नहीं। और इसका ब्लाउज़ ये है, अभी ये इसका ब्लाउज़ भी स्टिच करना है और दुपट्टा ये। और साड़ी तो पहन सकते हैं लेकिन ये पता नहीं मैं पहन पाऊँगी या नहीं, अभी एकदम ठीक है लेकिन हर दिन वेट चेक कर रहा तो एक केजी बढ़ रहे मेरा, क्योंकि मम्मी का हाथ का खाना खा कर और इतना वैरायटी खाना, वो वापस मैं यूके जाकर नहीं खा सकते, बहुत सारा उधर नहीं मिलता है। और अभी ठीक है वेट बढ़ लिया तो मैं उधर जाकर कम करूँगी लेकिन खाना तो छोड़ नहीं सकते है ना। फिर भी मैं थोड़ा अभी कंट्रोल कर रही हूँ, शादी है सोचकर कभी कभी कंट्रोल भी नहीं हो पाता है खाना देकर। ठीक है, आप लोगों को इसमें कौन सा ज़्यादा पसंद आ गया बोल, आप लोगों को इसमें कौन सा ज़्यादा पसंद आ गया वो बोलना मुझे कमेंट में। और मुझे ही पसंद आ गया ये सबसे ज़्यादा, ये पसंद आ गया। और ठीक है, मैं मेरा ब्लॉग इधर फिनिश कर रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और अगर कोई नया देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूलना नहीं, और अच्छा अच्छा कमेंट करना भूलना नहीं। बाय।